सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है पीएमएलए के बारे में जी, जिसमें पीएमएलए जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बारे में काफी बहस जो है पूरे देश में चल रही है। तो जिन अरोड़ा के स्टेटमेंट पे, जो दीपक अरोड़ा के स्टेटमेंट पे जी संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, वो उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद में सीबीआई ने उनको अप्रूवर बनाया और उनको छोड़ दिया, उसके बाद में ईडी ने उनको वापस से नोटिस देके बुलाया, और ईडी के स्टेटमेंट के बाद में ईडी ने उनका स्टेटमेंट लिया अरोड़ा जी का, उसके बाद में संजय सिंह जी की गिरफ्तारी जी। तो ये सीधा सीधा ये दिखने में आ जाता है कि अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपके पास जो सिस्टम है ईडी और सीबीआई का, तो उसका मिसयूज करो। आपको जिस प्रकार से अगर किसी का स्टेटमेंट लेना है तो अपने सहूलियत के हिसाब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, और वो स्टेटमेंट के आधार पर आप किसको भी अरेस्ट करके 6-6 महीना, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल जेल के अंदर रखो। मैं समझता हूं ये अघोषित इमरजेंसी जो है पूरे देश में लगी है। जैसे कि हमने देखा 2 दिन पहले से जो न्यूज क्लिक है उसके ऊपर भी काफी कार्रवाई जो है ईडी मार्फत चल रही है। मतलब मीडिया हाउसेस को भी ये नहीं बकश रहे हैं, उनको सवाल पूछे जा रहे हैं कि शाहीन बाग के टाइम पे कौन एंकर था, शाहीन बाग के टाइम पे आपने क्या किस प्रकार के सवाल पूछे। मीडिया जो है ये अपने देश के लोकशाही का, अपने डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, लेकिन मीडिया को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है।